सूर्य कुमार यादव ने करीब बड़ी गद्दारी 100% जीते हुए मुकाबले को अपनी इस भयंकर गलती से हराया। जी हां दोस्तों, बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत करके पहले जो है भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम का जो है प्रदर्शन बेहद ही शर्मनाक रहा। पूरे 20 ओवर खेल करके जो है 6 विकेट के नुकसान पर मात्र 124 रन ही टीम इंडिया बना पाई। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम दोस्तों इस मैच को बुरी तरीके से हार रही थी, लेकिन आखिरी के 15 मिनट पर जो है जबरदस्त वापसी करते हुए टीम इंडिया के जबड़े से मैच को छीन लिया और 19वें ओवर में ही जो है इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। बता दें कि 7 विकेट के नुकसान पर 128 रन बना करके दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच को जो है जीत लिया है। वही दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने बेहद ही घटिया कप्तानी की। वही 125 रन के जो है लो स्कोरिंग लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है चेस करने में बुरी तरीके से नाकाम रही, लेकिन भारत के स्टार स्पिनर्स जो है वरुण चक्रवर्ती ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ काफी जो है खतरनाक गेंदबाजी करी और आधी टीम को अकेले ही पवेलियन जो है वापिस भेज दिया। जी हाँ, सलामी बल्लेबाज जो है रिजा हेंड्रिक्स, एडन मार्करम, मार्को यानसन, हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर का जो है विकेट उन्होंने अपने नाम किया और पूरी दक्षिण अफ्रीका के टीम को जो है तहस नहस कर दिया। वही दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर गेंदबाजी करी और मात्र 17 रन देकर के 5 विकेट हासिल किया। वही जिस पिच पर दोस्तों स्पिनर गेंदबाजों को इतना बढ़िया मदद मिल रहा था, उस पिच पर सूर्या ने जो है अक्षर पटेल को सिर्फ एक ही ओवर गेंदबाजी कराई और उसमें भी अक्षर पटेल ने दोस्तों मात्र 2 रन ही दिया। लेकिन जब टीम इंडिया में जो है दोस्तों 3 स्पिनर्स खेल रहे थे और स्पिनर्स इतने तगड़े जो है विकेट ले रहे थे तो उनके जगह पर फास्टर बॉलर लगाने की क्या जरूरत। अर्शदीप सिंह, आवेश खान और हार्दिक पांड्या जो है बहुत ही महंगे साबित हुए। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह ने तो जो है 10 के इकोनॉमी रेट से रन लुटाए तो वही हार्दिक पांड्या, आवेश खान ने जो है 8 के इकोनॉमी रेट से रन लुटाया, जो कि टीम इंडिया के जो है हार का सबसे बड़ा जो है कारण बना। तो दोस्तों टीम इंडिया के हार का जो है आप मुख्य कारण किसको मानते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।